आपकी मीडिया का धन्यवाद करता हूँ कि जो आप इतनी दूर दराज इलाकों में आके यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट अपने मीडिया के तहत आगे तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो आज खास मकसद की अगर हम बात करें, यहाँ मैं अभी इन दिस टाइम जहाँ पे खड़ा हूँ, मैं अभी तहसील मचेल डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, फिलहाल तहसील मचेल को तो सभी जानते हैं क्योंकि यहाँ पे हर साल चंडी माँ मचेल की यात्रा भी चलती है। फिलहाल तो पूरा हिंदुस्तान अभी चंडी माँ मचेल की इस पावन धाम को जानता है। तो यहाँ के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जैसे कि यहाँ की सबसे पहले अगर हम बात करें इश्यूज़ की, तो तहसील मचेल के लिए कुंडेल से आगे जितनी भी बिजली की फिटिंग की गई हुई है बिल्कुल गलत तरीके से की गई है। अभी मैं हाल ही में एक हफ्ता पहले, मैं बेसिकली यहीं का रहने वाला हूँ चसोती गांव का, तो हफ्ते पहले मैं जब गुलाबगढ़ से इधर गांव के लिए आया तो मैं रोड से पैदल आया, मऊ से यहाँ तक अभी पैदल चलना पड़ता है क्योंकि पुल का भी पीछे काम चल रहा है और आगे भी रोड की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। तो जब मैं पैदल आया तो यहाँ पर क्या है कि पूरी बिजली की तारें जो है रोड पर बिखरी पड़ी हुई हैं, पोल बिखरे पड़े हुए हैं, कोई देख रेख नहीं हो रहा है। तो मैं सरकार से एक रिक्वेस्ट करना चाहता कि फालतू का पैसा जो है वो बर्बाद ना करें। तो वो बर्बाद करने से अच्छा है कि यहाँ गांव में अगर देखें तो हमूरी मचेल, जितने भी तहसील मचेल पंचायत मचेल के गांव हैं, गांव की जितने भी गांव के अंदर जो बिजली की फिटिंग की गई है, जो पोल लगाए हुए हैं और जो पोलों की जो तारें हैं वो सारी की सारी ढीली हो चुकी हैं और खंभे सारे टेढ़े हो चुके हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अपना डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के डीसी साहब और एलजी मनोज सिन्हा जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि एक बार वो इस बिजली विभाग के इन कर्मचारियों को मतलब इतला करके इस मचेल पंचायत के और भेजें कि जितनी भी जो तारें डैमेज है, पोल डैमेज है, उसको सेट कर दें, क्योंकि अभी मौसम साफ है, क्या पता भगवान का क्या भरोसा कब बर्फ़ पड़ जाए। और यहाँ पर गाँव चशोती तहसील मचेल के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट की भी फैसिलिटियाँ हैं, शिव हस्बेंड्री की भी हैं, वाटरनरी की भी हैं और सारी की सारी फंक्शनल रहती है जब मचेल यात्रा चलती है। जैसे ही मचेल यात्रा खत्म होती है तो क्या होता है कि इन सारे जो भी डिपार्टमेंट द्वारा जो भी यहाँ पे सेंक्शन जो जो भी चीजें हैं वो यात्रा के बाद ताला चाबी लग जाता है। तो मैं सरकार से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यात्रा के बाद भी यहाँ पे आवाम रहती है, यहाँ पे पब्लिक रहती है, कैमरा मैन को मैं बताना चाहता हूँ कि दिखाएं गाँव को कि कितनी पब्लिक, कितने छोटे छोटे बच्चे रहते हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा जो मेडिकल का जो ये फंक्शनल ये PHC है ये बंद रहती है टोटली। और आगे भी हमारे अगर तहसील मचेल की बात करें तो तहसील मचेल को एक तहसील के नाम से जाना जाता है। तो बात करें हम उस तहसील की, तो तहसील टोटली फंक्शन नहीं करती है। अभी आते हैं मचेल यात्रा के दौरान वो लोग भी आते हैं वहाँ पे तहसीलदार साहब आते हैं, पटवारी आते हैं, अन्य क्लर्क वगैरह वगैरह जितना भी तहसील मचेल का स्टाफ होता है वो बखूबी मचेल यात्रा के दौरान मचेल होता है। लेकिन जैसे ही मचेल यात्रा ख़त्म होती है तो यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता, यहाँ की पब्लिक, जब उनको तहसीलदार की भी ज़रूरत है, उनको पटवारी की भी ज़रूरत है, वो लोग उनको ढूंढने मचेल जाते हैं। तो मचेल जाते हैं तो वहाँ पे ऑफिस बंद होता है, तो वहाँ से वो लोग बखूबी नीचे गुलाबगढ़ जाते हैं क्योंकि गुलाबगढ़ में हमारे पूरे तहसील ये क्या बोलते हैं सब डिवीज़न पाडर की जो तहसील है वो गुलाबगढ़ है, सिर्फ और सिर्फ मचेल को अलग किया गया हुआ है। तो वहाँ पर जाते, वहाँ पर भी हमारी इस मचेल की आवाम को बताया जाता है कि भाई आपका तो तहसील मचेल है, आपका स्टाफ तो आपको पता वो किधर होगा। तो लोग बेचारे क्या करते हैं, यहाँ की वापिस आ जाते हैं जो कि उनके काम नहीं होते हैं। तो मैं अगर मेरी ये वीडियो सरकार एलजी मनोज सिन्हा जी तक या आगे माननीय हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी तक अगर मेरी आवाज़ पहुंचती है तो मैं चाहता हूं कि इन दूरदराज पहाड़ी इलाकों के इन छोटे छोटे मसलों को हल करें ताकि हमारी तहसील मचेल की आवाम भी अपनी JKUT के साथ जुड़ी रहे। बाकी जय श्री राम।